अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डिस्कस कर रहे थे, आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है ये है हमारे पास रिएक्शन विद मीथेन। अच्छा, मीथेन क्या होती है? सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वह है CH4। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये जो हमारे घरों में गैस आती है, सुई गैस जिसको कहते हैं, इसके अंदर ये 85% तक मीथेन होती है। तकरीबन 85% मीथेन होती है, बाकी 15% उसमें इथेन आ जाती है, इथीन आ जाती है, ये वाली चीज़ें होती है। यानी कि हमारे घरों में जो गैस आ रही है उसके अंदर 85% मीथेन होती है। आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हैलोजन के रिएक्शन है, किसके साथ? मीथेन के साथ। हैलोजन कौन कौन सी चीज़ें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सही, अब हमने सबके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन मीथेन के साथ वॉयलेंटली मतलब कि ये शिद्दत के साथ रिएक्शन करते हो, धमाका तक हो जाता है, ये बम एक्सप्लोड नहीं होता। सेम इसी तरह का छोटा सा धमाका होगा जब रिएक्शन करेगी मीथेन के साथ। यही बात हम पहले लिखेंगे कि फ्लोरीन जब रिएक्ट करती है मीथेन के साथ तो ये एक्सप्लोड करती है, वॉयलेंट रिएक्शन। वॉयलेंट वर्ड याद रख लीजिएगा, वॉयलेंट का मतलब है शिद्दत वाला, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें काफ़ी सारा एनर्जी निकले, सही है, और इसके नतीजे में धमाका हो जाए, इसको हम वॉयलेंट रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो यही बात हम पहले लिखेंगे, मीथेन रिएक्ट करती है किसके साथ? विद फ्लोरीन। फ्लोरीन वॉयलेंटली। अगर बात करता हूं क्लोरीन की, ये तो बात होगी फ्लोरीन की। अगर मैं बात करूं ना क्लोरीन की, क्लोरीन के साथ ये केस होता है, क्लोरीन के साथ ये केस हो रहा होता है। तो तीन केसेस है क्लोरीन के केस में। सबसे पहले डार्क में, दूसरा है सनलाइट में, तीसरा है हमारे पास डिफ्यूज लाइट में। पहले नंबर पर पहला जो केस है हम वो देख लेते हैं, डार्क में। डार्क में मीथेन के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन। क्लोरीन डार्क में मीथेन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती, नो रिएक्शन। यहाँ बात लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। यह बात सिंपल से याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर मैं डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में करवाता हूँ, डिफ्यूज सनलाइट। अब डिफ्यूज सनलाइट कौन सी चीज़ होती है, ये बात याद रखिएगा। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब ये है कि जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ ना, खिड़कियाँ वगैरह ओपन है और बाहर से जो रोशनी आ रही है कमरे के अंदर, इसको डिफ्यूज सनलाइट कहते हैं। और उर्दू के अंदर कहते हैं मदहम रोशनी, उर्दू में कहते हैं मदहम रोशनी। अगर कहता है डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए ना, तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में होता है और मुख्तलिफ चीज़ें, चार तरह की चीज़ें बनती हैं इस पूरे रिएक्शन में। उनके नाम याद रखिएगा, उनका फार्मूला वगैरह, सही है। यहाँ पे क्या होगा, अगर डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में करवाते हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन अक्कर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, रिएक्शन अक्कर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, इन सीरीज ऑफ स्टेप्स। रिएक्शन सीरीज में चलता है, और सीरीज में चल के कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, इसको याद रखने का नाम याद रखिए। मैं थोड़ा तरीकाकार बता देता हूँ, इनके फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूले के साथ इनका नाम भी लिख दूंगा मैं। सबसे पहले जो चीज़ बनानी है ना आपने, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा। यहाँ पे क्या करना है आपने, H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी, यहाँ पे H ना लगाएं, पहले तीन बैच। अब आपने करना क्या, सबके साथ क्लोरीन भी लगा दें, Cl और यहाँ पे भी Cl। अब करना क्या है कि आपने ना कार्बन के साथ ये चार चीज़ें लगानी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलाकर ओवरऑल चार होने चाहिए, क्योंकि कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा चार बोन बनाता है, चार से ज़्यादा नहीं, ना आपने तीन बनाने ना चार बनाने, पाँच बनाने, सिर्फ चार बोन बनाने पड़ते, इसलिए हमें ये चीज़ें चार लगानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखें कितनी है हमारे पास, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, हमने चार बनाने। सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर तीन लिखें, अब नीचे की तरफ हाइड्रोजन की तादाद एक एक कम करते जाए, यहाँ पे तीन लिखें, यहाँ पे क्या लिखेंगे दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक, नीचे कोई भी नहीं है। सही, सेम इसी तरह अब इसके साथ एक आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन एक है, यहाँ पे क्या करेंगे दो, यहाँ पे तीन करेंगे और यहाँ पे क्लोरीन चार।
ये काम होगा। ऊपर से नीचे की तरफ क्लोरीन की तादाद बढ़ाते जाना है और हाइड्रोजन की तादाद देखना, दोनों को मिला के देखेंगे ना, तो ये तीन और एक चार, दो और दो चार, एक और तीन चार, चार यानी ये सब में कार्बन के साथ जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो चार चार हैं। तो इसका नाम हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, और इसके अलावा एक और नाम भी इसका, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और इसको कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है चार, क्लोराइड इसके साथ चार क्लोरीन लगे हुए, इसलिए हम नाम दे दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये वाली चीज़ हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, अमूमन इस्तेमाल तो नहीं है, इसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होती है ऐसी दवा होती है जिसको हम बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते थे, सही है, जब ऑपरेशन वगैरह मरीज को अगर बेहोश करना पड़े तो ये वाली चीज़ जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी वो क्लोरोफॉर्म था, अब क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, सही है। अगर आपने वो भी सुना होगा कि बाज़ दफ़ा वो बस के अंदर बैठा होता है मुसाफिर, जा रही होती है बस, रास्ते में कोई चीज़ संघाते हैं, संघाने के बाद वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, वो जो चीज़ संघा रहे होते हैं, वो जो चीज़ स्मेल कर रहा होता है, वो असल में क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, आपके जहन को सुन कर देता है, आपको बेहोश कर देता है, सही है, बात याद रखिए, इन सब का नाम याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ आप सनलाइट में, सही है, अगर क्लोरीन का रिएक्शन की बात करते हैं किस में, सनलाइट में, तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, कहाँ किस तरह का रिएक्शन होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन अक्कर, एक्सप्लोजिव रिएक्शन अक्कर, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है धमाकेदार, यानी यहाँ पे धमाका हो जाएगा, इतना एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, धमाकादार, इस तरह का रिएक्शन होता है हमारे पास, सही है। अब किस तरह का ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा, जो रिएक्शन होता है यहाँ पे आपने क्या करना है, मीथेन लेनी है, CH4 होता है, इसका रिएक्शन करवा देना है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में, सनलाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन है, जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं पहले नंबर पर कार्बन बनता है और साथ में 4HCl बन जाएंगे, 4HCl कार्बन के साथ 4HCl बन जाएंगे, ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा जाए, यहाँ पे लास्ट में लिखने लगा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे कम कौन करता है, वो चीज़ बताने लगे हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने की बात करूँ तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव होता है, और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन होता है, सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन होगा। ये देखिए हमारे पास रिएक्शन ऑफ मीथेन विद हैलोजन, अच्छे तरीके देख लीजिएगा।